Tata Harrier, one of the most awaited cars from Tata Motors, जो कि finally unveil हो गई है 2019 से इसकी sales भी जो है most probably चालू हो जाएगी. So guys, आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा top 5 reasons why you should consider Tata Harrier if you are going to buy a SUV in that segment. बताऊंगा कुछ not so good points about the Harrier. So guys, let's get started. जो सबसे पहला पॉइंट है वो डेफिनेटली होगा इसका प्लेटफॉर्म एंड द इंजन. वेल गाइस, जो इसका प्लेटफॉर्म है ये लिया गया है फ्रॉम द लैंड रोवर डिस्कवरी. हालांकि टाटा मोटर्स ने जो है इसको काफी ज्यादा री इंजीनियर किया है टू मेक इट सूटेबल फॉर दिस सेगमेंट एंड ऑल्सो टू मेक इट मोर बजट फ्रेंडली. क्या कुछ चेंजेस जो है टाटा मोटर्स ने यहाँ पे किया है, लैंड रोवर डिस्कवरी में आपको देखने को मिलेगा एक फुल्ली इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन, लेकिन टाटा मोटर्स ने हैरियर में जो है एक कंप्लीटली नया सस्पेंशन सेटअप डिजाइन किया है और यहाँ पे आपको एक सेमी इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन सिस्टम जो है देखने को मिलेगा. सेकेंड पॉइंट ऑफ मेजर डिफरेंस है वो है दी मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म. लैंड रोवर डिस्कवरी में दोस्तों लैंड रोवर जो है यूज करता है एल्यूमिनियम, लेकिन टाटा मोटर्स ने जो है इसके प्लेटफॉर्म में यूज किया है हाई टेंसाइल स्टील. तो यहाँ पे हाई टेंसाइल स्टील यूज करने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है फॉर द हैरियर प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली हैज कम डाउन इंजन की, विच इज अनदर ग्रेट टॉकिंग पॉइंट ऑफ द कार. यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो है यूज किया है फिएट सोर्स 2 लीटर डीजल इंजन, जो सेम इंजन आपको देखने को मिलता है जीप के कंपस में. सो गाइस, ये जो इंजन है इट्स अ ट्राइड टेस्टेड एंड अ वेरी प्रूवन इंजन. कंपस में भी जो है ये इंजन काफी बढ़िया परफॉर्म करता है एंड यहाँ पे हैरियर में भी आपको वही सेम यूनिट देखने को मिल जाता है. ऑब्वियसली दोस्तों पावर एंड टॉर्क की जो है आपको इस इंजन में कमी नहीं महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल द इंजन गिव्स यू अ रियली गुड परफॉर्मेंस इन द हैरियर. गाइस, ये जो इंजन है इज मेटेड टू अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ये जो गेयरबॉक्स है मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन गेयरबॉक्स है, बट इट्स अ डिसेंट गेयरबॉक्स टू हैव. साथ ही दोस्तों ये इंजन जो है आता है ड्राइव मोड्स के साथ, लेकिन अनलाइक द नेक्सॉन जो टाटा हैरियर के ड्राइविंग मोड्स है दे मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ओवरऑल ड्राइव. और टाटा मोटर्स ने टेरेन रेस्पॉन्स सिस्टम भी दिया है विद द हैरियर, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग. और साथ ही जो हैरियर का क्लच है वो भी काफी लाइट है, दस मेकिंग इट ग्रेट फॉर सिटी ड्राइविंग. हालांकि यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो एक हाइड्रोलिक यूनिट यूज किया गया है, तो थोड़ा सा आपको जो है स्टिफ लगेगा व्हेन ड्राइविंग इन द सिटी और व्हेन पार्किंग इट इन द टाइट स्पॉट्स, लेकिन यही स्टीयरिंग जो है आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगा जब आप इस कार को हाईवे पे चलाएंगे. सस्पेंशन सेटअप ऑफ दिस कार इज अगेन वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन सेटअप है. उबड़ खाबड़ गड्ढों पे भी जो है ये कार बेहतरीन तरीके से जो है चलती है, आपको जो है अंदर कोई भी तरीके से अनसेटल नहीं करता है. और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 mm का दिया गया है, विच मेक्स इट ग्रेट फॉर आवर इंडियन रोड कंडीशन. किसी भी कार के साथ जो आप मेजर टाइम स्पेंड करिएगा वो उसके इंटीरियर्स में ही करिएगा. यहाँ पे दोस्तों टाटा मोटर्स ने जो है एक बेहतरीन केबिन डिजाइन किया है फॉर द हैरियर. ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड है इट लुक्स वेरी प्रीमियम, काफी अच्छे फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं इस इंटीरियर के. एक बहुत ही बेहतरीन वुड एंड सिल्वर फिनिश का जो है यूज किया गया है, विच गिव्स दिस कार अ मच मोर प्रीमियम फील. और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में किसी और कार में इतना अच्छा एंड इतना वेल लेड आउट इंटीरियर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा. फुल्ली लेदर इंटीरियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेदर की क्वालिटी भी काफी बेहतरीन यूज की गई है, फिट फिनिश का जो है काफी ख्याल रखा है टाटा मोटर्स ने. सो गाइस, अनदर थिंग विच मेक्स द टाटा हैरियर कैबिन अ वेरी कंफर्टेबल वन वो है इसका लेग रूम एंड हेड रूम. आपको दोस्तों बहुत बेहतरीन वेल कुशन सीट्स मिलते हैं और जो ओवरऑल लेग रूम मिलता है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है. साथ ही दोस्तों टाटा ने जो है खासा ध्यान रखा है स्टोरेज स्पेसेस का. हर एक डोर में जो है आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, फोन होल्डर मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स है वो भी काफी स्पेशियस है, आप उसमें एक इजीली लैपटॉप रख सकते हैं. इसका जो सेंट्रल आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, वहां पे भी आपको एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा जहां पे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. सो गाइस, ओवरऑल द इंटीरियर ऑफ द टाटा हैरियर इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, वेरी नाइस, वेरी वेल लेड आउट एंड ऑल्सो फिट एंड फिनिश लेवल्स ऑफ दिस कार्स इंटीरियर इज रियली गुड. इस
की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको देखने को मिलेगा एक 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये जो टच स्क्रीन सिस्टम है ये एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम है, और यहां पे जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम का वेंडर है ये वही सेम वेंडर है जो जैगुआर लैंड रोवर के लिए भी जो है टच स्क्रीन सिस्टम बनाता है। टाटा मोटर्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है, और आपको यहां पे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। 9 स्पीकर JBL यूनिट मिलता है, और मेरे ख्याल से जो इसका म्यूजिक सिस्टम है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट राइट नाउ। JBL का सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन साउंड आउटपुट देता है आपको, और अगर आप एक ऑडियो फाइल है तो यू विल एंजॉय द आउटपुट ऑफ दिस म्यूजिक सिस्टम। 2 एम्पियर्स के USB पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं बोथ फॉर दी फ्रंट पैसेंजर्स एंड फॉर दी रियर पैसेंजर। तो अगेन दिस इज अ ग्रेट थिंग, आपके फोन को चार्ज करना हो या फिर अगर आपके iPad या फिर टैबलेट्स को चार्ज करना हो तो दिस विल कम अ लॉट मोर हैंडी देन दोज 24 वोल्ट सॉकेट्स। दिस इज बाई फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी कार। वेल गाइज, सेफ्टी। टाटा मोटर्स ने दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों के साथ जो है हैरियर को लोड किया है। फर्स्टली दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी टाटा कार्स की बेहतरीन होती है। तो गाइस, नेक्सॉन इज द फर्स्ट कार फ्रॉम एनी इंडियन ऑटोमेकर जिसमें ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिला है। तो आप जो है टाटा हैरियर में भी जो है उसी टाइप की बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी टफ बिल्ड कार, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। 2 एयरबैग्स जो है स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स एंड 6 एयरबैग्स कम्स इन दी हायर एंड वेरिएंट्स। तो गाइस, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, ABS विद EBD मिलेगा, ऑफ रोड ABS भी जो है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने दिया है हैरियर के साथ। हालांकि हैरियर इज नॉट अ 4x4 व्हीकल, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग के दौरान जो है अगर आप मतलब रफ टेरेन्स में अपने हैरियर को ले जाते हैं तो आपको वहां पे ऑफ रोड ABS का भी जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा हैरियर इज अ ग्रेट पैकेज, एंड यहां पे विद अ ग्रेट बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल द फीचर्स इन द सेफ्टी डिपार्टमेंट जो आपको टाटा देता है, इट मेक्स अ वेरी गुड पैकेज फॉर इटसेल्फ। जो फाइनल एंड द फिफ्थ पॉइंट है वो है इसका ओवरऑल पैकेज, दैट इज बेहतरीन डिजाइन, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत ही बढ़िया इंजन। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी तरीके की कमी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। सेफ्टी का भी जो है टाटा मोटर्स ने खासा ख्याल रखा है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट्स जो हैरियर को मिलेंगे फॉर द कंफर्ट इट ऑफर्स। बेहतरीन कैबिन स्पेस जो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है हैरियर में। जो भी चीजें आपको एक मॉडर्न डे SUV में चाहिए यहाँ पे आपको हैरियर में वो सारी चीजें मिल जाएंगी, और सारे करेक्ट बॉक्सेस को जो है ये हैरियर टिक करता है। सारी चीजें तो यहाँ पे आपको अच्छी मिल ही जाती है टाटा हैरियर में, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी मिलती है। अगर मैं बात करूं सबसे मेजर लेट डाउन की तो वो है एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ना होना। सेगमेंट में जो भी लोग गाड़ी खरीदने जाएंगे वो जो है एक ऑटोमेटिक ऑप्शन की तरफ जरूर देखेंगे, और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को एज एन ऑप्शन भी नहीं ऑफर किया है। तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे जो इस चीज को जो है पसंद नहीं करेंगे, एंड दे विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस, एंड आई डेफिनेटली फील कि टाटा मोटर्स को जो एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन देना चाहिए था। सेकेंड जो है दोस्तों वो है पेट्रोल इंजन का ना होना। वेल गाइस, आज के डेट में अगर हम देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने हायर एंड कार्स को भी जो है पेट्रोल में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट का रुझान जो है वापस पेट्रोल की तरफ होने लगा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो है अभी कोई भी पेट्रोल इंजन अनाउंस नहीं किया है, और नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेट्रोल इंजन अभी आने वाला है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक लेट डाउन है जो अपने SUV को पेट्रोल में लेने की सोच रहे थे, और टाटा मोटर्स के हैरियर में जो है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा कौन है वो है 4x4 का ना होना। वेल गाइस, लैंड रोवर डिस्कवरी का इन्होंने प्लेटफॉर्म यूज किया विच इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ रोडिंग, और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो है 4x4 नहीं दिया है। वेल गाइस, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेजॉरिटी लोग जो है अपने कार को लेकर ऑफ रोडिंग नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे भी एंथुजियास्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली SUVs खरीदते हैं फॉर ऑफ रोडिंग, एंड उनके लिए भी टाटा हैरियर जो है एक लेट डाउन रहेगा। टावा भी छोटी छोटी कई चीजें हैं जो मेरे ख्याल से टाटा हैरियर में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। फर्स्टली दोस्तों सनरूफ। हाँ मैं मानता हूं कि सनरूफ जो है सभी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन दिस सेगमेंट दैट टाटा हैरियर इज कमिंग इन, सनरूफ जो है होना एक एडेड एडवांटेज होता, एक एडेड फीचर होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
सनरूफ वाली गाड़ियां लेना पसंद करते हैं. ऑब्वियसली इट एड्स मच मोर टू द एयरीनेस ऑफ द कैबिन. तो यहाँ पे सनरूफ नहीं है. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट इज अ ग्रेट पैकेज टू कंसिडर. अगर आप 16 से 21 लाख के बीच में कोई भी कार लेने की सोच रहे हैं तो आई फील टाटा मोटर्स हैरियर इज अ कार विच इज हार्ड टू इग्नोर. ओवरऑल टाटा मोटर्स हैरियर इज अ कार दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इफ यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू एसयूवी इन द मार्केट इन 2019. सो गाइज विद दैट आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइज बताना नहीं पड़ेगा, बस इस वीडियो को लाइक कर दो. और अगर ऑटो तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, फ्री है. क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव की दुनिया से कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ. विद दैट गाइज जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गॉगल्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स.